रानी और अल्पेश यादव का सोशल मीडिया पर जो झगड़ा चल रहा है। जैसे मनीषा ने सामने आकर कहा कि अल्पेश यादव ने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, उसके बाद फैंस ये कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं बल्कि व्यूज पाने का तरीका है। मनीषा जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर रही है। थोड़े दिनों में मनीषा और अल्पेश अब इन सभी आरोपों का अल्पेश के साथ हुई कंट्रोवर्सी का मनीषा ने जवाब दे दिया है। मनीषा ने कहा, आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी से कमाए फैंस परमानेंट नहीं होते। अल्पेश यादव के साथ हुए झगड़े पर मनीषा क्या बोली, आप लोग खुद सुनिए। ने जो कंट्रोवर्सी किया है अल्पेश के साथ में, उसका फेक है, सॉन्ग के लिए किया है, पब्लिक एंगेजमेंट के लिए क्या, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? फेक है क्या? आप हंस रहे, कुछ बात है? मुझे लग रहा है मनीषा रानी को पिंक लाइक का जरूरत नहीं है, हम जो कर देते हैं वो ऐसे ही वायरल है। और कुछ हम आज तक कभी भी व्यूज लाइक के लिए कुछ नहीं किए, वो व्यूज लाइक के लिए कौन क्या करता है ये सबको पता है, इसलिए हमको बोलने का जरूरत है। और आई थिंक जो हमारी फैंस है, जो ऑडियंस है, वो बहुत बहुत समझदार है। आई नो दे आर वेरी इनोसेंट, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत समझदार है। कौन कितना रियल है लोग समझ जाते हैं। लेकिन एक लग रहा है, आपको लग रहा है एक पैटर्न बन गया ये सब फेक कंट्रोवर्सी करने का व्यूज के लिए, फैंस के लिए? देखिए अभी पैटर्न है जरूर है, लेकिन हाँ वो तो है। मुझे लगता है हम लोग कंट्रोवर्सी करके लोग आई थिंक जो फेमस होते हैं वो कुछ दिन तक ही टिक पाते हैं। हाँ। जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं या फैन बेस बनाते हैं वो ज्यादा दिन चलते हैं। तो सुना आप लोगों ने, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि सचमुच मनीषा अल्पेश से बेहद खफा है। सचमुच मनीषा ने खत्म कर दिए हैं अल्पेश से अपने सभी नाते। मनीषा रानी अब अल्पेश यादव से तब तक बात नहीं करेगी जब तक अल्पेश मनीषा को मनाने के लिए कुछ खास नहीं करते। सचमुच हैशटैग अल्पेशा का हो गया है दी